नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को निर्यातकों से उच्च गुणवत्ता वाले सस्ते उत्पाद बनाने की अपील की ताकि देश का निर्यात बढ़ाया जा सके। जेटली ने यहां प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन कार्यक्रम के दौरान कहा, हमारा वैश्विक अनुभव हमें यह सिखाता है कि दुनिया अच्छे और सस्ते उत्पाद खरीदना चाहती है, इसलिए आपको अपनी सोच में दूसरों से एक कदम आगे रहना है। ऐसे उत्पाद बनाने हैं जो मूल्य और गुणवत्ता दोनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो, इससे आप विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में भी बड़े बाजार ढूंढ सकेंगे। सरकार ने कहा कि स्वर्ण बॉन्ड योजना में खुदरा निवेशकों ने बहुत रुचि दिखाई है और इसे 246 करोड़ रुपए मूल्य के 63,000 से आवेदन मिले हैं। वहीं अब तक ढीली रही स्वर्ण मौद्रीकरण योजना में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्रालय के बयान में स्वर्ण बॉन्ड योजना के बारे में कहा गया है, इस योजना को लेकर देश भर के निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 917 किलो सोना खरीदने के लिए 246.20 करोड़ रुपए के बैंकों व डाकघरों के माध्यम से लगभग 63,000 आवेदन आए हैं। वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता HSBC ने भारत में अपने निजी बैंकिंग कारोबार को बंद करने की घोषणा आज की। कंपनी इस कारोबार के तहत संपत्ति प्रबंधन सेवाओं की पेशकश करती है। बैंक के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा, यहां हमारे वैश्विक निजी बैंकिंग परिचालन की रणनीतिक समीक्षा के बाद हमने अपने कारोबार को बंद करने का फैसला किया है। अधिकारी ने कहा कि शांतनु अंबेडकर की अगुवाई में लगभग 70 लोग कार्यरत हैं जिन्हें अब खुदरा बैंक में समाहित किया जाएगा। मैगी नूडल्स के बाद नेस्ले को उसके पास्ता को लेकर नया झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में कंपनी के पास्ता उत्पाद के नमूनों में सीसे की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक पाई गई। मऊ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के विशेष अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि गत 10 जून को नेस्ले के एक स्थानीय उत्पाद वितरक श्रीजी ट्रेडर्स के यहां से पास्ता के नमूने लिए थे जिन्हें जांच के लिए लखनऊ स्थित राजकीय खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजा गया। किसानों को इस साल फरवरी अप्रैल के दौरान बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के चलते 20,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 100 लाख टन रबी फसलों का नुकसान हुआ। CSE ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE ने अपनी रिपोर्ट लिव्ड एनोमली में कहा कि इसके परिणाम स्वरूप भारत को चालू वर्ष में 10 लाख टन गेहूं का आयात करना पड़ सकता है क्योंकि पिछले रबी सीजन में बेमौसम बारिश के चलते करीब 68.2 लाख टन अनाज क्षतिग्रस्त हो गया। इस साल फरवरी अप्रैल में 182.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल या संपूर्ण रबी बुआई रकबे का 29.61% प्रभावित हुआ। इसका 6.7% गेहूं की फसल थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।